Our topic is computation of the closure of a set. In this topic, we will see how we can compute the closure of a set. इस टॉपिक में हम थ्री डिफरेंट वेज को स्टडी करेंगे जिससे हम इस क्लोजर को कंप्यूट कर सकते हैं. इनमें से दो वेज जो हम ऑलरेडी पिछले टॉपिक में देख चुके हैं, लेकिन थर्ड जो वे है वह इस टॉपिक में हम बेसिकली स्टडी करेंगे. सो लेट अस लिस्ट ऑन ऑल द थ्री वेज. फॉर अ गिवन टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स एंड इट्स सबसेट ए, वन वे टू कंप्यूट द क्लोजर ऑफ ए इज टू अप्लाई द डेफिनेशन इन द फॉलोइंग three steps. The first step, list all the closed subsets of X. यानी कि आपके पास X, आपके पास topological space है. Of course, उसके साथ आपको topology भी दी जाएगी. Means कि आपके पास the class of open sets given है. उस class से आप क्या कर सकते हैं, आप उस class के जितने भी elements हैं उनके complement को अगर आप write down कर लें तो that will be the class of the closed subsets of X. यानी कि आपने वो सारे subsets लिख लिए जो X के closed subsets हैं. Next, क्योंकि अब आपके पास क्लोजर के लिए एक सेट ए गिवन है तो अब उस क्लास की एक सब क्लास आप राइट डाउन करेंगे. राइट सी ए द क्लास ऑफ ऑल क्लोज सुपर सेट्स ऑफ ए, यानी कि वो सारे सबसेट्स आपने एक्स के राइट डाउन करने हैं जिनमें ए कंटेन हो रहा है. देन द टेक द इंटरसेक्शन ओवर दैट क्लास, यानी कि उन क्लास के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब की अगर आप इंटरसेक्शन ले लेंगे तो आपके पास जो है वो क्लोजर ऑफ ए कंप्यूट हो जाएगा. सो यू हैव थ्री स्टेप्स. You have a set X and the topology on the set X, then a given set A. For finding the closure of the set A, you have to list down all the closed subsets of X by looking at the topology. Then figure out all the closed subsets of X, those containing A. And then third, take the intersection of all those closed subsets of A containing A. The next method. Next method is to figure out the smallest closed superset of A. यानी कि आप इस चीज को थोड़ा सा figure out करें कि वो कौन सा सबसे छोटा subset है X का जो क्लोज है और A को contain कर रहा है. For this, let us look into the example. Let the real line with usual topology. Now I have to compute the closure of A. The A is equal to 0, 2. जीरो साइड ओपन है आपके पास एंड द टू साइड जो आपके पास क्लोज है, यानी कि हाफ ओपन हाफ क्लोज इंटरवल है. नो द स्मॉलेस्ट क्लोज सबसेट ऑफ एक्स, यानी कि द स्मॉलेस्ट क्लोज सबसेट ऑफ द रियल लाइन दैट कंटेनिंग ए इज द क्लोज एट 0, 2. सो इट मींस दैट द क्लोजर ऑफ ए इज द क्लोज इंटरवल 0, 2. नो लेट अस सी द नेक्स्ट एग्जांपल. लेट द रियल प्लेन R2 with the usual topology. Usual topology means once again the set of all open disks, their union and the finite intersection. In the set A consists of all the elements of R square such that X square plus Y square is less than 1. यानी कि आपके पास open disk है X square plus Y square less than 1, यानी कि open disk का जो inner part है वो आपके पास है, उसकी boundary यानी कि उसके sides हैं वो उसमें include नहीं है जहां पे X square plus Y square is equal to 1 है. Now the smallest closed subset of X that containing A is X Y belongs to R square such that X square plus Y square is less than 1. यानी कि आपके पास जो smallest closed subset है जो A को contain कर रहा है वो कंसिस्ट कर रहे हैं उन सारे पॉइंट्स के सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1. सो द क्लोजर ऑफ ए इज एक्स वाई बिलोंग्स टू आर स्क्वायर सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1. नो द थर्ड वे. व्हाट इज द थर्ड वे? द थर्ड वे टू कंप्यूट द क्लोजर ऑफ ए इज बेसिकली टू यूज द रिलेशन बिटवीन द क्लोजर ऑफ ए द सेट ए इन द ड्राइव सेट ऑफ ए. यानी कि इन तीन सेट्स का जो आपस में रिलेशन है अगर हम उनको यूज करें जो कि अभी तक हमने नहीं स्टडी किया जो यहाँ पे हम स्टडी करेंगे ठीक है ना इस गिवन थ्योरम में तो उस रिलेशन को अगर यूज करें तो उससे भी हम क्लोजर ऑफ ए को फाइंड आउट कर सकते हैं. सो वी हैव द थ्योरम 1 दैट लेट ए बी अ सबसेट ऑफ अ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स देन द क्लोजर ऑफ ए इज इक्वल टू ए यूनियन द ड्राइव सेट ऑफ ए. फॉर प्रूविंग दिस थ्योरम आई नीड अ रिजल्ट
that is given in theorem 2, let A be a subset of a topological space X, then X belongs to the closure of A, यानी कि आपके पास जो एलिमेंट है X का वो कब क्लोजर का एलिमेंट होगा, इफ एंड ओनली इफ फॉर एवरी ओपन सेट यू एक्स कंटेनिंग X इंटरसेक्ट A, यानी कि आपके पास कोई एलिमेंट क्लोजर किसी सेट के क्लोजर का एलिमेंट तब होगा जब उसके कॉरस्पॉन्डिंगली हर ओपन सेट जो उसको उस एलिमेंट को कंटेन कर रहा है उसका इंटरसेक्शन अगर मैं A के साथ लूं तो मेरे पास इंटरसेक्शन जो है वो नॉन एम्प्टी आने चाहिए, यानी कि वो उसके साथ इंटरसेक्ट करना चाहिए। अगर आप इस थ्योरम 2 में जो गिवन कंडीशन है फॉर एन एलिमेंट ऑफ द क्लोजर ऑफ सेट A, वो थोड़ी सी मिलती जुलती है जो हमारी लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन थी। अगर मैं रिकॉल करूँ लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन को, अ पॉइंट of the topological space X is a limit point of a subset A of X if and only if for every open set containing X, UX must intersect with A other than X. यानी कि इसमें और उसमें सिर्फ फर्क इतना है कि इसमें हम intersection उस UX की A के साथ ले रहे हैं और देख रहे हैं कि वो non-empty है। और उसमें क्या था, हम उसमें ये देख रहे थे कि उस UX ओपन सेट की A के साथ इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी होनी चाहिए अदर देन X, यानी कि उसमें अगर इंटरसेक्शन में X आ रहा है तो उसमें X के अलावा भी आपके पास कोई और एलिमेंट आना चाहिए X का। नो, लेट अस प्रूव दिस थ्योरम 1। लेट अस स्टार्ट द प्रूफ। लेट अस फर्स्ट प्रूव दैट A union the dry set of A is a subset of A bar. Now, in the previous topic, we have already seen that A is a subset of A bar. Now, agar main sirf ye show kar dun ki the dry set of A is also the subset of A bar, then this part is done. Now, let X belongs to the dry set of A. It means X is a limit point of A. This implies that for all UX open set containing X, UX minus X intersection A is non-empty. If the intersection of UX minus X with A is non-empty, then this implies that I can replace UX minus X with its superset. Then again this intersection is non-empty. UX intersection A is non-empty. So this implies that X belongs to the closure of A by theorem 2. So this implies that because A is a subset of A bar and the dry set of A is again the subset of A bar, so this implies that A union A dash is a subset of A bar. यानी कि आपके पास आपने शो कर दिया कि आपके पास union of A and its drive set is a subset of the closure of the set. Now the converse. Let us prove the converse. For converse, we have to show that A bar, the closure of A, is a subset of A union A dash. यानी कि आपने ये चीज show करनी है, अभी इसको हमने show नहीं किया, so this is a question mark. Now, let X belongs to the closure of A. यानी कि आपके पास X जो है वो closure of A का point है. There are two options. One, either X belongs to A or X does not belong to A. So first, अगर X A को belong कर रहा है, so it is trivial. We have done.
because if x belongs to a bar and x belongs to a, so this means that a bar is the subset of a and this is the subset of a union the dry set of a. If x does not belong to a, but we have already supposed that x belongs to the closure of a by theorem 2, for all ux open set containing x, ux intersection a is non-empty. तो क्योंकि ये x जो है वो आपके पास क्लोजर का एलिमेंट है, so it means that by theorem 2, उसके हर ओपन सेट जो उसको कंटेन कर रहा है उसका इंटरसेक्शन a के साथ नॉन एम्प्टी होगा. अब क्योंकि x जो है वो a का एलिमेंट नहीं है, so it means that अगर मैं इस इंटरसेक्शन ux इंटरसेक्शन a में से x को माइनस भी कर दूं, तो भी मेरे पास ये जो इंटरसेक्शन है वो नॉन एम्प्टी रहेगी. बट दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द लिमिट पॉइंट. तो दिस इंप्लाइज दैट एक्स बिलोंग्स टू द ड्राइव सेट ऑफ ए. सो डजंट मैटर एक्स बिलोंग्स टू ए और x does not belong to A, in both cases x should be the part of this union, A union A bar. So this implies that the closure of A is a subset of A union dry set of A. So we have done A bar is equal to A union the dry set of A.